वेलकम टू माय चैनल क्रेजी सोनी। और प्लीज 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 बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा मुझे, और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए वीडियो को, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, और अभी के अभी जाके सब्सक्राइब करो। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, और आज जैसे आप सबको पता है कि संडे है और संडे वाले दिन होता है चीट डे, तो आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म आलू का पराठा, दीप घर का मक्खन और यम्मी अदरक वाली चाय। चलिए किचन में। अब हम आ चुके हैं क्रेजी सोनी की क्रेजी किचन में, और अब हम देखेंगे कि आलू का पराठा कैसे बनाना है। और आप सब देख सकते हैं कि मैंने आटा पहले से गूंथ लिया, और ये है एक मल्टीग्रेन आटा, तो इसलिए इसका कलर थोड़ा ऐसा है। और मैंने अनियंस भी काट दिए हैं, ग्रीन चिलीज भी काट दिए हैं, और कोरिएंडर भी, और मैंने आलू को भी छिलके पहले से रख दिया, मैंने बॉयल कर दिया था। और ये सारे जो इसमें मसाले ऐड होंगे मैंने रखे हुए हैं। अब हम देखो ऐसे करके हम सारे आलू लेंगे, और आलू को हम आराम आराम से सारा मैश कर देंगे। आप कैसे भी मैश कर सकते हैं विद योर हैंड्स, और या किसी चीज़ से मैशर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैश कर दिया है, अब मैं इसमें सारे, अब मैं पहले इसमें रेड चिली ऐड करूंगी, देन गरम मसाला, देन कोरिएंडर पाउडर, देन थोड़ी सी हल्दी, नमक, दैट्स इट। और अगर आपको भी मेरी तरह थोड़ा तीखा खाना पसंद है तो यू कैन ऐड चिली फ्लेक्स ऑन दिस एंड ब्लैक पेपर आल्सो, दैट्स इट। ये सब कुछ इसमें जितने भी मसाले ऐड किए थे मैंने सब कुछ मिक्स कर दिए हैं, और यहाँ पे मेरा आटा भी तैयार है जिस पे मुझे बेलना है, वो भी तैयार है। और मैंने आपको बोला था ना हम अदरक की वाली चाय भी बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे अदरक को कोट लेती हूँ, और मैंने चाय के लिए भी बर्तन रख दिया है, और अदरक कूट दिया है, और अब हम बनाते हैं चाय। मैंने इसमें अदरक ऐड कर दिया है, अभी और सारी चीज़ें हम ऐड कर देते हैं, और फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि आलू का पराठा कैसे बेलना है। ये आटा लेंगे और इसको हम ऐसे करके गोल कर लेंगे, देन अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, उसके बाद हम इसे हाथ से ऐसे करेंगे तो ये अच्छी शेप देता है, ऐसे ऐसे करने से। मैंने मोई पूरी अच्छे से तैयार कर ली है, अब मैं इसके फिलिंग के लिए इसे तैयार कर रही हूँ, और अब हम इसे अच्छे से फिल कर देंगे। देखिए मैंने पूरा अच्छे से आलू इसके अंदर अच्छे से फिलिंग कर दी है, क्योंकि आपको पता है जितनी अच्छी फीलिंग होगी उतना अच्छा टेस्ट आता है। अब ये रेडी है हमारी लोई, और अब हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। पराठा अच्छे से बेल लिया है, ये आ चुका है हमारा आलू का पराठा, तैयार हो गया है, बेल लिया है। अब हम इसे पैन पे रख देंगे मीडियम फ्लेम पे, हम इसे पक, और इधर हमारी अदरक वाली चाय भी बन गई है साथ में, जिससे हम गर्मा गर्म पराठा खाएं विद अदरक वाली चाय। अभी हम इसे थोड़ा सा और पकने देंगे, ये देखिए। अब हम इसमें लगा देंगे रिफाइंड ऑयल, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें, और हम इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं लगाएंगे। अब हम इसे फिर से पलट देंगे, और हम इसकी दूसरी साइड पे फिर से ऑयल लगाएंगे। आप
थोड़ा सा इसे ऐसे ऐसे करके प्रेस कीजिए, इससे ये अच्छे से पूरा सीख जाएगा। वाओ, देखने में इतना यम्मी है, तो आप सोचिए खाने में कितना यम्मी होगा। अब हम इसे फिर दूसरी साइड से और पका लेते हैं। तब तक ये थोड़ा सिक रहा है तो मैं अपनी चाय में थोड़ा सा दूध ऐड कर देती हूँ। मैंने 2 कप चाय के बनाए हैं। और आप देख सकते हैं मैंने कितना कम ऑयल इसमें यूज किया है, जिससे आप यम्मी चीज खा भी पाए और ये नुकसान भी ना दे। वाह, हमारा पराठा रेडी हो गया है और आप देखो कितना कम ऑयल मैंने इसमें यूज किया और मेरी चाय भी बस रेडी है और मैं इसे अभी गर्मा गर्म आप लोगों को सर्व करती हूँ। हमारी चाय भी रेडी है, ये अच्छे से मैंने बहुत अच्छे से पकाई है, क्योंकि जितना आप इसे अच्छे से पकाओगे बॉयल करोगे चाय में उतना ही टेस्ट आता है। और ये रेडी है, चाय को भी मैंने छान लिया है, चाय भी रेडी है। और ये रहा घर का मक्खन और मैं इसे लेके जाती हूँ और डाइनिंग टेबल पे। और ये रही 2 स्पून, एक अचार के लिए और एक मक्खन के लिए। वाओ, सो यमी। और ये रहा हमारा घर का अचार। इट्स टू यमी मैन, देसी स्टाइल में देसी पराठा। और आई होप आप सबको भी ये पराठा बहुत पसंद आए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा मेरा वीडियो। और प्लीज़ 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 बहुत सारा सपोर्ट, लाइक करिए और इसे शेयर कीजिए जितना हो सके। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, अभी के अभी जाके सब्सक्राइब करो। और आज के लिए इतना ही और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।